तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं गांव में? महिलाओं की ज्यादा तो गली को लेकर, पानी के लेकर समस्या जी, गलियां पक्की होनी चाहिए सफाई के तौर पर, ये समस्या ज्यादा है जी गाँव में। तो लोग क्या कहते हैं, जैसे महिलाओं के बीच जाते हो तो क्या कहते हैं कि? कौन कहते हैं, नहीं मैं थोड़ी समस्या हल कराइयो, अभी गलत में नया नया है, आगे बढ़िया करावा। तरह से खास तौर से जो बच्चियां हैं जो शिक्षा को लेके क्या कहती हैं मैडम से बात? मैडम से यही बोलते हैं जो हमारे को जैसे दिक्कत वगैरह होती है वो पूरी करना ही होगी आपको, तो दीदी की यही सपोर्ट है कि बच्चियों को फुल सपोर्ट मिले। जाते हो बुजुर्गों की, आजकल ना बुजुर्गों के और की ज्यादा वो नहीं करते, केयर नहीं करते, उसको लेकर भी आप लोग जागरूक करोगे कि भाई माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, दादा दादी की सेवा करनी चाहिए? दादा दादी की, माँ बाप की, इन सब की सेवा करनी चाहिए। तो मोटी प्रॉब्लम है, क्यों गांव से बाहर जा नहीं सकते, उसके बाद कम उम्र में गांव वाले बच्चे की शादी कर देते हैं, लड़की के सपने साकार नहीं होते, तो अगर यहां से जीतेंगे तो ये आपकी सोच पर, आपके विचार पर खरे उतरेंगे? हाँ जी बिल्कुल उतरेंगे, हमको पूरा विश्वास है। तो कह रहे हैं कि अगर दीदी जीत गई तो हमारे पास पावर आ जाएगी, तो इस तरह पूरा यही रहेगा या जीतने के बाद कहोगे आप नहीं भाई तारे को नहीं मन्ना करना? ना जी चेंज नहीं होंगे बिल्कुल भी। अच्छा। जो काम मेरे हुए दीदी आई हो चाहे ससु आओ कोई आओ सबके काम होंगे। अच्छा। हाँ जी जो लड़कियां का लेडीज का कोई काम होगा नहीं, कोई बीमारी शिमारी होगी आगे रहेंगे हम। अभी हम लोग ये वार्ड नंबर 11 के गोरछी गांव में, और हमारे साथ है किरसन सरसाना की धर्मपत्नी हैं जो चुनाव में मैदान में उतरी हैं, गांव-गांव जा रही हैं, वोट मांग रही हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह की योजनाओं को लेकर, किस तरह की बातों को लेकर गांव जा रही हैं, और क्या वोट मांगने का क्या तरीका है, और गाँव के लोग किस तरह से समर्थन दे रहे हैं। हम बात करेंगे मैडम से। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम जैसे अभी फिलहाल गोरछी गाँव में लगभग आपके गाँव कितने आते हैं आपके वार्ड में? 12 आते हैं जी। 12 आते हैं। कौन कौन से गाँव के अभी तक दौरा आप कर चुकी हैं? सरसाना कर चुके हैं आधा, आज गोरछी चल लो करें। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे सरसाना तो आपका एक तरह से घर ही हो गया, एक तरह से हो गया, गोरछी में आप जा रही हैं, गोरछी में कैसा माहौल है? बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा। हाँ जी। क्या कहती है महिलाएं? पूरी सपोर्ट कर रहे हैं जी, आप जिताने की कोशिश करेंगे, कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे गाँव में जा रही है तो महिलाओं की, लड़कियों की, सभी मेन ना आदमी तो जैसे काम में निकल जाते हैं, आखिरकार महिलाओं को समस्या से जूझना पड़ता है, तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं गाँव में? महिलाओं की ज्यादा तो गली को लेकर, पानी के लेकर समस्या जी, गलियां पक्की होनी चाहिए सफाई के तौर पर, ये समस्या ज्यादा है जी गांव में। जैसे किरसन जी मैदान में उतरने के लिए तैयारी थे, उनकी तैयारी भी थी, लेकिन ये रिजर्व हो गया, उसके बाद महिलाओं को उतरना पड़ा, आपकी कितने की तैयारी थी? कुछ तैयारी नहीं थी जी। अच्छा। बिल्कुल तैयारी नहीं थी, अब तैयारी करेंगे। तो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है अभी शुरुआत के दौर? शुरुआत के तौर पर। अच्छा। हाँ जी। रोटी, घर का काम का, चूल्हा चौका, उसके बाद वोट मांग जी, फिर वोट मांगते हैं। अच्छा। चूल्हा चौका संभाल के फिर वोट मांगने आते हैं। हाँ जी।
तो जैसे महिलाएं भी जा रही हैं आपके साथ, किस तरह का लो ये किस तरह से महिलाओं से मिलना कैसा रहता है, क्या कहती हैं जब आप पहुंचती हैं तो महिलाएं? बढ़िया लगता है जी, चलेंगे साथ देंगे, साथ में चलेंगे और महिला भी कहें भी आगे बढ़ो चलो। अच्छा जी, सुबह की अगर दिनचर्या की बात करें, किस टाइम आप निकलती हैं बोटों के लिए और कितना रहता है समय, लंच टाइम क्या होता है? 9 बजे से लेकर 4 बजे लग चलते हैं जी। खाना खुना कहाँ मिलता है? खाना घर पे। घर पे जाते हो या लोग खिलाते हैं? ना जी, घर पे खाते हैं, चाय पानी पीते हैं, नेरा काटा है, रोटी खाओ चाय पियो। अच्छा, फिर टाइम तो कौन जितनी हुआ, टाइम तो गाँव गाँव जावांगे, 15-12 गाँव है सारा, फिर आना जरूरी है, एक बार हाजिरी तो लगानी पड़े। हाँ जी, तो महिलाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है? महिलाओं का पूरा समर्थन है जी। अच्छा, हाँ जी। तो पुरुष क्या कहते हैं? महिलाओं का तो समर्थन आप है, महिलाएं हैं, पुरुष क्या कहते हैं? पुरुष साथ हैं जी। अच्छा, पुरुष और गांव में गए हैं, मैं यहाँ पर। हाँ जी, तो जैसे कि आप जीत के जाएंगे तो वादे क्या कर रही हैं आप, क्या करूंगी जनता के बीच जाके? क्या जो मेरे हाथ में मैं कोशिश करूंगी, जनता का जो मेरे हाथ में होगा करने को, भाई जिस चीज की कमी है वो पूरा कराऊंगे। तो कमी क्या क्या लग रही है, जैसे गली की बात होगी, सफाई की होगी? ज्यादा है, एक स्कूल में हमारे वार्ड में कोई कॉलेज नहीं है, उसकी है डिमांड है, एक लड़कियों को आने जाने में स्कूल में दिक्कत रहती है, बस नहीं आती है, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है हमारे वार्डों में। जैसे सबसे मोटी प्रॉब्लम हिसार जिले की नहीं, पूरे हरियाणा में इस तरह की दिक्कत है, गांव की लड़कियां पढ़ने जाने के लिए बहुत उनको दिक्कत आती है, उसको लेके आप महिला होने के नाते एक महिलाओं के लिए, नारियों के लिए किस तरह की आवाज़ बुलंद करेंगे अगर जनता आपको आशीर्वाद देगी तो? ये तो करा कोशिश, बढ़िया काम करने की कोशिश है जी हमारी। अच्छा, जो हमारे हक में होगा नहीं वो पूरा करेंगे। हाँ जी, तो जैसे ना सरकार ने एक तरह से 50% का तरह कोटा भी महिलाओं को दिया है, उसी तरह से पुरुष प्रधान एक तरह से देश है, वहाँ पे महिलाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए बच्चों के प्रति और जो गरीब लोगों के प्रति, उन लोगों के प्रति? गरीबों की जो लाली कई बेउर से जाके हैं समस्या, ये हमारा घर पड़ा हुआ है, हमें कोशिश करो ग्रांट दिवाने की, आगे ग्रांट मिलेंगे जब पूरा काम करेंगे उनका, लोन दुआओ। हमारे बच्चे बीमार है, एक बुजुर्ग को फोन आयो, हमारे घर पे पड़े आदमी दुखी, यहाँ जब उसका भी कोशिश करेंगे दिलाने की, ये बाहर जाओगे गाँव में जो समस्या मेरा पटेगा मैं कोशिश करांगा दिवाने। जैसे कृष्ण जी ने आपको तो मैदान में उतार दिया, अब बच्चे बाल बच्चे पशु कौन संभाल रहा है? पशु नहीं है जी, बच्चा ही सार छोड़ रखे हैं, फिर यहाँ वोट मांगने के लिए, वोट मांगने। हाँ जी, फिर यहाँ बिल्कुल। कृष्ण जी भी लगे हुए हैं या आप अकेले? लगे हुए हैं जी, वे चौधरी वासरी नजर हैं, सारा परिवार साथ में है जी। चलो महिलाओं से बात करें, मैडम आप बताओ, बड़ा जोश से बोल रहे हो, क्या रहने वाला है? माहौल बढ़िया है। अच्छा, मैं बुआ लागू कृष्ण की, रही सासू होगी। अच्छा, हाँ तो माहौल बढ़िया है। हाँ जमा बढ़िया है। तो लोग क्या कहते हैं जैसे महिलाओं के बीच जाते हो तो क्या कहते हैं कि? कुछ कौन कहते नहीं हो, कह मैं थोड़ी समस्या हल कराइयो, अभी गलत में नया नया है, आगे बढ़िया करावांगा। अच्छा, हाँ आप भी आश्वासन देते हो? और कल ना बहु नाटकी तो नहीं नाटेगी, मैं काम कराने के लिए बलान में यो, मैं कहती मैं कराऊंगी। अच्छा, पक्का? हाँ पक्की। देख लो ऐसे भी हैं सास, वो कहते हैं कि वोट दो ही ना, फिर उसके बाद काम मैं कराऊंगी, अगर ना कराऊंगी। अच्छा, सारा काम कराऊंगा, कोई कमी है वा? पूरा? हाँ पूरा। हाँ जी, आप बताओ क्या कहना चाहोगे, जैसे गांव-गांव जा रहे हो, महिलाएं कैसे आशीर्वाद दे रही है बुजुर्ग? हाँ खूब बढ़िया दिया है, बढ़िया खूब है। क्या कहते हैं, किसको वोट देंगे? देंगे कृष्ण ने, कविता ने। हाँ कविता ने देंगे, कृष्ण ने देंगे ना, कविता ने। अच्छा, कृष्ण की कोई वो नहीं है? कोई नहीं, क्यों, बॉडी खूब है कृष्ण की, कृष्ण बिना या क्या करेगी अकेली? ठीक बात है, कृष्ण बगैर क्या ये करेगी, ठीक बात। ठीक नहीं सरकार चल महिला पर लिया दी तो महिला का नाम चलेगा, कृष्ण तो फिर शेती रहेगा, यही बात है ना? ये मैं नहीं जाने का कुर्सी है तो यारी। अच्छा, पहले कृष्ण कृष्ण बतायो, कौन जाने कोई? हाँ तो कृष्ण ने तो जाने ही जाने है। हाँ तो मैडम आप बताओ कि जैसे कि आप जा रहे हो, युवा हैं आप लोग और गांव में जाते हैं, तो लोग जो है कि एक तरह से खास तौर से जो बच्चियां हैं जो शिक्षा को लेके क्या कहती हैं मैडम से बात? मैडम से यही बोलते हैं जो हमारे को जैसे दिक्कत वगैरह होती है वो पूरी करना ही होगी आपको, तो दीदी की यही सपोर्ट है कि बच्चियों को फुल सपोर्ट मिले आगे के लिए। अच्छा। हाँ फुल सपोर्ट है इनकी लड़कियों के लिए, और वैसे कोई बनाता है दीदी को तो बहुत अच्छी बात है, हमारी भी फुल सपोर्ट है दीदी को। गांव में भी बहुत अच्छी जैसे प्रोग्रेस चल रही है, कोई जेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, लेडीज मिल रही है, फुल सपोर्ट है यहाँ से। जैसे जितने भी गांव में आप जा रहे हैं, जैसे फिलहाल आप गोरची में, गोरची में कैसा माहौल लग रहा है आपको कि लोगों से? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा। बहुत ही अच्छा माहौल है, जेंट्स हैं लेडीज हैं, फुल सपोर्ट है दोनों साइड से, जैसे जेंट्स वगैरह की सबकी। क्या कह रहे हो? हाँ न्यू का घर बैठा नहीं दे देगा हम तो सारा, आने की जरूरत को नहीं, घर बैठो वोट उठा देंगे। मैं कृष्ण की चाची हूँ। अच्छा, पूरा समर्थन मिल रहा है? खूब है।
तो जैसे जाते हो बुजुर्गों की, आजकल ना बुजुर्गों के और की ज्यादा वो नहीं करते, केयर नहीं करते, उसको लेकर भी आप लोग जागरूक करोगे कि भाई माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, दादा दादी की सेवा करनी चाहिए, दादा दादी की, माँ बाप की, सबकी सेवा करनी चाहिए, और माँ बाप को बदलो तो रख रहा है। आप बताओ जी, आप क्या कहोगे जैसे जा रहे हो तो क्या कहते हैं लोग? बहुत अच्छा कहते हैं भाई, आशीर्वाद दे रहे हैं हम कविता रानी को और बोट कविता को ही देंगे। पक्का? पक्का ही। आश्वासन दे रहे हैं या वोट भी डालेंगे? नहीं, वोट भी डालेंगे जी, नुका हमारी बेटी खड़ी है ये, इस ये बहुत कह रहे हैं ये। अच्छा हाँ, तो एक और युवा दिखाई दे रही है मुझे, आप थोड़ा आगे आ जाइए। जैसे आप जा रही हैं, जैसे लड़कियां मिलती हैं, एजुकेशन को लेके गांव में सबसे मोटी प्रॉब्लम है, क्यों गांव से बाहर जा नहीं सकते, उसके बाद कम उम्र में गांव वाले बच्चे की शादी कर देते हैं, लड़की के सपने साकार नहीं होते, तो अगर यहां से जीतेंगे तो ये आपकी सोच पर, आपके विचार पर खरे उतरेंगे? हाँ जी बिल्कुल उतरेंगे, हमको पूरा विश्वास है और हमारी पूरी मतलब मदद कर रहे हैं, कह रहे हैं सभी को भी अच्छा माहौल है बनेगा तो हम सब कुछ करेंगे, अगर जिताएंगे तो हम पूरा वो करेंगे भी, मतलब जो भी आपकी सिचुएशन होगी हम बिल्कुल ठीक करेंगे। जैसे आप लड़की हैं, आप युवा हैं, आप युवाओं से बोल रहे हैं कि इस बार हमारे साथ महिला खड़ी है और महिला को हमने जिताना है, आने वाले समय में अगर इसको जिताएंगे तो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छे काम करेंगे। हाँ जी बिल्कुल अच्छे करेंगे जी। लोग समझते हैं इस चीज को? हाँ जी बिल्कुल समझे। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है, अगर आप खड़े हुए तो आपको अभी पूरी आपकी संविधान होगी भी, अच्छा काम करवाएंगे तो हम अगली गेड़े और वोट देंगे इसको, अच्छा माहौल बता रहे हैं सर। मैडम आप बताओ क्या कहना चाहोगे, जैसे जा रहे हो डोर टू डोर घूम रहे हो और जो कृष्ण जी की वाइफ यहाँ कविता जी खड़ी हैं, तो क्या कहते हैं कि कविता को जितवाएंगे? हाँ जी हाँ जी, वैसे तो देखने में हट्टे कट्टे हैं और हैं सही हैं, तो काम भी इस तरह से करेंगे क्या? हाँ जी हाँ जी, इस तरह से करेंगे। हाँ जी, अच्छा पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। मैडम आप बताओ आप क्या कहना चाहो, क्या किस तरह से जाते हो, लोगों को क्या कहते हो वोट के लिए, कविता को जिताना है, वोट कैसे मांगते हो आप? ना जी सारा सहयोग करे भी बढ़िया देंगे वोट। अच्छा जी, कविता जिताऊंगा, जब माँ भी कृष्ण ने जितायो यू कविता जिताऊंगा। गोरछी गांव से मतलब की दीदी की फुल सपोर्ट है यहाँ से, गोरछी गांव से फुल सपोर्ट है दीदी की यहाँ से, मतलब जीत होकर ही जाएगी यहाँ से। जैसे आप घरों में जाते हो, खटखटा दिया दरवाजा, आगे बाहर लोग निकल के, उनको क्या कहते हो? हम तो यही बोलते हैं हमारे को वोट देना, आपकी जो कोई समस्या वगैरह हम उसको पूरा करेंगे भी, खत्म करेंगे जड़ से, यही बोलते हैं, और तो हमारा तो यही फर्ज है खत्म करने का, समस्या होती है कोई भी इंसान की। अच्छा। हम समझेंगे उसकी समस्या वगैरह को सब कुछ, जैसे कि हमारे हाथ में, हमारी दीदी के हाथ में होगा, वो पूरा सहयोग करेंगे उनको। अच्छा। दीदी अगर पावर में आ गई तो फिर आपके पास पावर आ जाएगी? अरे हमारी दीदी की पावर आ जाए तो बड़ों के पास पावर होती है तभी तो छोटों के पास आती है। कविता जी जितनी महिलाएं कह रही हैं कि बड़े एक तरह से खुशनुमा माहौल है, हंसी के साथ आपके साथ वोट मांगने जा रहे, थकान भी नहीं होगी क्योंकि कुछ ना कुछ चुटकुले वगैरह सुनते जाते हो गए वोट मांग रहे हो, तो कह रहे हैं कि अगर दीदी जीत गई तो हमारे पास पावर आ जाएगी, तो इस तरह पूरा यही रहेगा या जीतने के बाद कहोगे आप नहीं भाई तारे को नहीं मन्ना करना? ना जी चेंज नहीं होंगे बिल्कुल भी। अच्छा। जो काम मेरे दीदी आई हो चाहे ससु आओ कोई आओ सबके काम होंगे। अच्छा। हाँ जी, जो लड़कियां लेडीज का कोई काम होगा नहीं, कोई बीमारी शिमारी होगी आगे रहेंगे हम सब। तो कई बार ना दिक्कतें आती है, छोटी सी साइन कराने के लिए सरपंच हो गए, जिला परिषद पार्षद हो गए, पार्षद हो रहे वार्ड के हो गए, उनसे ना चक्री काटने पड़ते हैं, अभी तो बोला जी वहाँ गई है नहीं है, उसको आप किस तरह से लेंगे? सबसे मोटी चीज छोटे छोटे साइन के छोटे छोटे काम होते हैं और वो काम आपको लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं, उसके लिए आप किस तरह की भूमिका बनाएंगे? खुद करेंगे जी, हम जाके सरपंचों के पास जाके मैं खुद करा के लाएंगे। अच्छा हाँ जी, पक्का? पक्का जी। तो लोगों से क्या अपील करेंगे आपको जीतने के लिए, वोट मांगने के लिए क्या कहोगे, किस तरह से वोट दे और आपको क्या कहें, आप किस तरह से अपील करेंगे लोगों से? ये कहेंगे कि जो हमारे इतने काम है वे कराए, मैं ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए और आगे बढ़ने की कोशिश करे, जो हमारे बड़े छोटे उनसे सबसे ये विनती है हमारी जी। कविता जी ये गोरछी गांव में डोर टू डोर जा रही हैं, वोटों की अपील कर रही हैं और 11 नंबर वार्ड है, कृष्ण सरसाना की धर्मपत्नी हैं, हालांकि ये रिजर्व होने के बाद इनको उतरना पड़ा, चूल्हा चौका छोड़कर मैदान में उतरी हैं, लेकिन कहते हैं बच्चे सारे सेट है, कृष्ण आपने लगे हुए हैं वोट मांगने, मैं भी लगी हुई हैं और महिलाओं की टोली के साथ अलग अलग गाँव में जाके समस्या भी ये जान रही हैं और लोगों से बातचीत भी कर रही हैं, महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए जो एक तरह से तकलीफ हैं उसको भी समझ रही हैं और कह रही हैं अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगी यहाँ से जिताएगी तो उनके पक्ष के लिए उनके हित के लिए मैं काम करूँगी, इस तरह की बातें कर रही हैं। अगले गांव में भी हम जाएंगे इनके साथ, देखेंगे वहाँ किस तरह का माहौल होगा और क्या कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पक्ष से मतदान करके मुझे यहाँ से जिताएं ताकि मैं आपके जो मैं वादे कर रही हूँ, जो आपके साथ में बातें शेयर कर रही हूँ उस पर मैं खरी उतरूँ और काम करूँ और इलाके के विकास करूँ।